कश्मीर का पता नहीं, आज मैं हूँ भारत के अंत में कन्याकुमारी। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक दिन के अंदर कन्याकुमारी कैसे घूम सकते हैं उसका पूरा डिटेल्स में बताऊंगा। सुबह का 4:10 हो रहा है और ट्रेन पहुंचे है कन्याकुमारी, और ये स्टेशन के बाहर है। यहाँ से आप लोगों को ऑटो मिल जाएगा कन्याकुमारी जहाँ पे होटल है वहाँ जाने के लिए, या आप लोग चाहे तो पैदल भी जा सकते हैं, यही रास्ता जो सीधा जा रहे हैं। जैसे कि मैं सुबह सुबह कन्याकुमारी विवेकानंद ड्रग के सामने पहुँच चुका हूँ, अभी तक सनराइज़ नहीं हुआ है, तो मैं सनराइज़ देखने के लिए यहाँ रुक गया, होटल पहले नहीं लिया। आप देख पा रहे हैं बहुत सुंदर एक दृश्य सामने दिखाई दे रहा है सनराइज़ का, जो कि बहुत ही सुंदर था। मेरा लाइफ में मैंने ऐसा सनराइज़ कभी नहीं देखा। सनराइज़ का आनंद लेते हुए धीरे धीरे आ गया एक होटल रूम के लिए, जो कि मेरा आज रात को ही कन्याकुमारी से रामेश्वरम के लिए ट्रेन है। मैंने बहुत ही सस्ता एक रूम लिए है जो कि सिर्फ और सिर्फ 500 रुपया पड़े है, और ये एकदम समंदर किनारे ही है। रूम बहुत छोटा था बट हम भी अकेले थे, तो अब देख पा रहे हैं ये सिर्फ 500 रुपया का रूम है। बेड है, पंखा है, अटैच बाथरूम के साथ ये रूम था। मेरे लिए पूरा दिन बाहर ही घूमना था, तो सिर्फ थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए ये रूम मेरे लिए काफ़ी था। दूर ही आप देख रहे हैं विवेकानंद रॉक जो कि दिखाई दे रहा है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, काफ़ी लाइन आ चुका है। अभी 7:45 हो रहा है सुबह का, अभी विवेकानंद रॉक के लिए लाइन पड़ चुका है। तो लाइन दे के हम चले आगे टिकट काउंटर के और धीरे धीरे लाइन जैसे आगे बढ़ता गया उस हिसाब से हम भी धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। यहाँ से आप लोगों को बोट सर्विस में 75 रुपया देना है, देख पा रहा है बोट पे, और 75 रुपया का टिकट से आपको फेरी से जाना है विवेकानंद रॉक तक। तो चलिए मिलते हैं विवेकानंद रॉक, उसके पहले फेरी का यात्रा करते हैं। फेरी में बैठने का बाद भी आप लोगों को ये लाइफ जैकेट पहनना बहुत ज़रूरी है, मैंडेटरी है। लाइफ जैकेट आप लोग ज़रूर पहनिए, ये सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि हमारा किनारा से छोड़ के विवेकानंद रॉक के तरफ हमारा जो फेरी है, बोट है, वो आगे बढ़ रहा है। 15-20 मिनट टाइम लगता है, आप लोग पहुँच जाएंगे सीधा विवेकानंद रॉक के तरफ। जैसे कि हम विवेकानंद रॉक पहुंच चुके हैं, देख पा रहे हैं धीरे धीरे सब लोग उतर रहे हैं, हम भी विवेकानंद रॉक की तरफ आगे बढ़े। और यहां दूर पे आप जो मूर्ति देख रहे हैं इसके बारे में जानकारी आपको बाद में दिया जाएगा इसी वीडियो के अंदर। विवेकानंद रॉक पहुंचने के बाद 30 रुपया का टिकट फिर से लेना है आप लोगों को, जो कि आपको विवेकानंद मेमोरियल हॉल के अंदर जाने का परमिशन देगा। ये है स्वामी विवेकानंद स्वर्णमय शिला, अंदर वीडियो और फोटोग्राफी मना है, इसलिए बाहर के तरफ से मैं आप लोगों को दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। दूर पे आप लोग जो प्रतिमा देख रहे हैं वो है थिरुवल्लुवल्लूर का स्टैचू। ये बहुत बड़ा संत और कवि थे, 133 फीट ऊंचाई और 140 सीढ़ी चढ़ के इस प्रतिमा के चरणों तक आप पहुंच सकते हैं। इस रॉक पर स्वामी विवेकानंद जी ने 3 रात लगातार ध्यान किया था, 25 दिसंबर, 26 दिसंबर और 27 दिसंबर को सन 1892 पे। स्वामी विवेकानंद के सम्मान में
1970 में निर्मित विवेकानंद रॉक मेमोरियल, जो कि कन्याकुमारी में एक और लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। ऐसा माना जाता है कि स्वामी जी ने इस शिला पर ज्ञान प्राप्त किया था। यहाँ देवी कुमारी ने भी घोर तपस्या की थी। ध्यान मंडप के नाम से जाने जाने वाले एक विशाल ध्यान कक्ष यहाँ बनाया गया है, ताकि लोग इसके शांत वातावरण में बैठकर ध्यान कर सके। तो चलिए, जितना जानकारी हो सके मेरे तरफ से मैंने स्वामी विवेकानंद रॉक के बारे में आप लोगों को दे चुका हूँ। वीडियो पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग किनारे के ओर और विवेकानंद रॉक को फिर से एक बार टाटा करते हैं। आगे फिर से कभी आने का इच्छा मन में लेके विवेकानंद रॉक छोड़ दिया हमने। विवेकानंद रॉक से जैसे ही हम वापस आए, साइड में एक पार्क थे और मंदिर थे, दोनों जगह घूम के, और यहाँ से ये विवेकानंद रॉक देखने में भी बहुत ही सुंदर लग रहा था। जैसे कि आप देख पा रहे आपके स्क्रीन पर, बहुत सुंदर दृश्य था। ऐसे ही घूमते घूमते पूरा दिन ढल चुका था और सनसेट होने वाला था। बहुत ही अच्छा दृश्य था जो कि आप लोग स्क्रीन पर अभी देख पा रहे हैं। शाम होने वाला है और शाम के टाइम पे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मार्केट वगैरह चीज़ जो है आप लोग घर में ला सकते हैं, वैसा चीज़ आप यहाँ से खरीद सकते हैं। मार्केट से घूमते घूमते और थोड़ा शाम होने के बाद मेरा ट्रेन का टाइम हो रहा था। अभी भी लोग यहाँ पे देखिए समुंदर में मज़ा ले रहा है, और रात का टाइम में लाइट जलता हुआ विवेकानंद रॉक एक अलग दृश्य लाता है, जो कि बहुत ही मधुर दृश्य था। जैसे कि मैं अभी कन्याकुमारी स्टेशन के सामने हूँ, मेरा ट्रेन सामने ही खड़ा है। हम लोगों का मुलाकात होगा आगे रामेश्वरम में। सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को।